धमतरी जिले के कांग्रेस भवन में लोकसभा चुनाव के बाद पूर्व गृह मंत्री और महासमुंद से लोकसभा प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का धन्यवाद देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बालौदा बाजार में हुई घटना को लेकर कहा कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। ताम्रध्वज साहू ने गृह मंत्री विजय शर्मा से इस्तीफे की मांग की। जांच का विषय है, जांच करने के बाद सामने आएगा, पर लापरवाही पूर्ण किया सरकार। सतनामी समाज के लोग शांति प्रिय हमेशा रहे, किसी भी प्रकार के उग्र प्रदर्शन आज तक उनके द्वारा नहीं हुए, और इतनी बड़ी घटना छत्तीसगढ़ में पहले बार। छत्तीसगढ़ में ऐसा घटना नहीं हुआ था कि एसपी कलेक्टर के कार्यालय को कोई जला। इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, कोई तैयारी इंटेलिजेंस की क्या थी, और उसको किस ढंग से निपटना है, किस ढंग से सुरक्षा देना है, ये तमाम बातें प्रश्न चिन्ह लगाता है सरकार के ऊपर। और मैं तो कहूंगा इसमें गृह मंत्री को तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता के नाते।